जो हमने जितनी भी इमेजेस देखी हैं ग्लैंड में हम फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है देखो हमने पहला देखा था कि डिपेंडिंग अपॉन जो हमारी पहली क्लासिफिकेशन हमने देखी थी वो थी मोड ऑफ सिक्रीशन मतलब किस मोड से बेसिकली सिक्रीशन हो रही है जिसमें हमने तीन क्लासिफिकेशन पढ़ी एक्जोक्राइन ग्लैंड के बारे में एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और पैराक्राइन ग्लैंड के बारे में एक्जोक्राइन ग्लैंड हमारे डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं इनके पास में डक्ट होता है यू कैन सी दे हैव डक्ट बेसिकली और ये सर्फेस पर ओपन होते हैं ये डक्ट इनकी सरफेस पर ओपन हो जाती है तीन कंपोनेंट्स हैं बेसिकली इसके दो कंपोनेंट होते हैं और डक्ट सिस्टम तीसरा कंपोनेंट होता है इसका सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों हमारे पेरेंट कायमल कंपोनेंट्स होते हैं और सपोर्टिंग टिश्यू देखो कनेक्टिव टिश्यू हमेशा स्ट्रोमा में ही कंसिडर किया जाता है स्ट्रोमा मतलब अ टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट ठीक है और इसका एग्जाम्पल है एक्जोक्राइन ग्लैंड का हमारे सारे सलाइवरी ग्लैंड उसके बाद में हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड की एक्सोक्राइन ग्लैंड की डेवलपमेंट कैसे होती है डेवलपमेंट ऑफ़ ग्लैंड्स में हमने ये चीज़ नोट करी कि कुछ एरिया जो हमारा सरफेस अपिथीलियम का कुछ एरिया है वो अपीथीलियल सेल्स बेसिकली हमारे प्रोलीफरेट करते हैं और प्रोलीफेट करने के बाद में वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जब वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली बनाते हैं तो उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो हमारा डक्ट सिस्टम बनाता है और जो हमारा डिस्टल पार्ट है उसका सिक्यूटरी यूनिट बनाता है ये एक्जोक्राइन ग्लान में होता है एंडोक्राइन ग्लान में बेसिकली डेवलपमेंट के टाइम पर क्या होता है कि ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ना ये डिसअपियर हो जाता है आई शो यू हाउ इट इज़ जैसे हमने इसमें

अनदर थिंग इज यूअर अबाउट दिस माओ एपिथीलियल सेल की एक्जोक्राइन ग्लैंड में सेल के बीच में और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में सिक्रीटरी यूनिट के बीच में और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में एक स्टार शेप्ड सेल होता है जिसे हम लोग मायो एपिथीलियल सेल कहते हैं इसमें मसल्स क्योंकि ये माओ एपिथिलियल सेल है माओ इज अ टर्म विच हैज़ कम फ्रॉम दी मसल्स इसकी एबिलिटी होती है कि जो सिक्रीशंस हैं ना उसको ईजिली डक्ट में ये हेल्प करता है एक्सक्लूड uh, करने में बेसिकली बाहर भेजने में हेल्प करता है उसके बाद में दिस इज एन एग्जांपल बेसिकली ये आपका बेजल लेमाइना है और ये शेप होती है हमारे माओ एपिथीलियल सेल की ठीक है ये सिक्रेटरी एंड पीस आप देख रहे हो ये आपका बेजल लेमाइना है येलो कलर्ड और ये आपका पिंक कलर्ड में आपका माओ एपिथिलियल सेल शो कर रहा है देन आफ्टर दिस हमने पढ़ा था दैट मीरो क्राइंग ग्लैंड एपो क्राइंग ग्लैंड हॉलो क्राइंग ग्लैंड अगली क्लासिफिकेशन होती है मीरो क्राइंग ग्लैंड एपो क्राइंग ग्लैंड हॉलो क्राइंग ग्लैंड डिपेंड करता है डिपेंड इज इट इज़ एक्चुअली द क्लासिफिकेशन जो डिपेंड करती है आपका मकानिजम ऑफ सिक्रीशन के ऊपर यानी कि मीरोक्राइन ग्लाइंड में हमने क्या पढ़ा था मीरोक्राइन ग्लांट्स में पढ़ा था हमने कि जो हमारी सिक्रीशंस हैं बेसिकली सेल से सिर्फ वही बाहर जा रही हैं और सेल का अपना कोई भी स्ट्रक्चर उन सिक्रीशंस के साथ सिक्रीट नहीं होता है एपोक्राइन ग्लैंड में हमने पढ़ा था ए फॉर एपोक्राइन ए फॉर एपाइकल मतलब जब सिक्रीशंस सेल से बाहर जाती हैं तो अपना अपाइकल सेल मेम्ब्रेन एपाइकल एरिया में जो उसकी सेल

ये हमारा डिपेंड करता है मोड ऑफ सिक्रिएशन के ऊपर मैकेनिज्म ऑफ सिक्रिएशन के ऊपर सॉरी ये फिर से सेम एग्जाम्पल था जिसमें हमने मीरोक्राइन एपोक्राइन और होलोक्राइन के बारे में पढ़ा था यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा सेल डीजनरेट हो गया और यहाँ पर सेल का कुछ पोर्शन आ रहा है बाहर की तरफ लेकिन यहाँ पर ल्यूमन के अंदर सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ सिक्रीशन है वेसिकल का पार्ट भी नहीं है उसके बाद में हमने पढ़ा कि ये है आपका एक्चुअली एक समझदार मीरोक्राइन ग्लैंड है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में हमारे जो प्रोटीन्स जो हमारे सिक्रीशंस हैं उनकी पैकेजिंग हो रही है वेसिकल्स के अंदर वेसिकल्स जाके फ्यूज़ कर रहे हैं मेम्ब्रेन के साथ में और सिक्रीशंस इवेंचुअली बाहर रिलीज़ हो रही हैं वेसिकल्स का जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेमब्रेन के स्ट्रक्चर का होता है इसीलिए वो वेसिकल्स प्लाज्मा मेमब्रेन में फ्यूज़ हो जाती हैं उसके बाद में हमने एक बारी ऑटोक्राइन पैराक्राइन और एंडोक्राइन सिग्नलिंग देखी थी ऑटोक्राइन में हमने कहा था कि जो सिक्रीशन्स वो रिलीज करता है उन सिक्रीशंस को जिन सेल्स पे काम करना होता है वो खुद ही होते हैं ऑटोक्राइन मतलब खुद के लिए बनाए हुए जो वो सिक्रीशन्स रिलीज करते हैं ये देख रहे हो आप ये ग्रीन कलर का वाई शेप रिसेप्टर है इसने सिक्रीट करा और खुद के ऊपर ही काम कर रहा है बेसिकली टारगेट साइट ऑन सेम सेल रिसेप्टर सेम सेल के ऊपर होते हैं इसलिए हम उसे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं पैराक्राइन पी फॉर पैरा पी फॉर पड़ोसी इसका मतलब जो क्रीशंस निकलेंगी उसके लिए जो टारगेट सेल है वो कहीं आस पड़ोस में प्रेजेंट होगा एज यू कैन सी एडजस्ट टारगेट सेल इज ओवर देयर एंडोक्राइन में ऐसा कुछ नहीं होता एंडोक्राइन में उन्होंने रिलीज करी से ब्लड में आई और ब्लड के बाद में वो दूर दूर डिस्टेंट टारगेट सेल्स दूर जो हमारे टारगेट सेल्स हैं उनके ऊपर जाके भी काम कर सकते हैं इस सिग्नलिंग के बाद में हम लोग बात करेंगे ये हमारा फिर वही वेसिकुलर डायग्राम था जो हमने देखा नहीं था बार बार क्या देखना है कि डायग्राम फिर हमने नंबर ऑफ डक्ट्स के बारे में बात करी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या है आप देखोगे कि अगर सिंपल हम लोग बोलेंगे जब एक सिंगल डक्ट है और कंपाउंड में बेसिकली हमने क्या देखा था कि सारी की सारी सिक्युरिटरी यूनिट्स के बाद सारी की सारी सिक्युरिटरी यूनिट्स के पास में अपनी एक टर्मिनल डक्ट है और वो टर्मिनल स्मॉल डक्ट्स बेसिकली एक लार्ज डक्ट में जाती हैं और खुल जाती हैं तो सिंपल का मतलब सिंगल कंपाउंड का मतलब मल्टीपल उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि सिंपल और कंपाउंड में भी होता है देखो सिंपल और सिंपल में दो फॉर्म्स हैं हमारे सिक्रेटरी यूनिट की ट्यूब्यूलर है और एल्विओलर है कंपाउंड में भी ट्यूबुलर है और एल्विओलर है सिंपल में ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है कि आपका सिंपल ट्यूब्यूलर है सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर हो सकता है यानी कि ट्यूब्यूल तो है लेकिन कॉइल्ड शेप में है और सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूलर यानी कि सिंपल है सिंगल डक्ट है और टूब्यूल्स है सिक्रिटरी यूनिट की जो शेप और ब्रांचिंग है वहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर में क्या है कि सिंपल मतलब सिंगल डक्ट है एल्वियोलर मतलब फनल शेप ल्यूमेन आप देख रहे हो ये फनल शेप है सिक्रिटरी यूनिट की और सिंपल एल्वियोलर ब्रांच में क्या देख रहे हो कि जो एलवि यूनिट है ये ब्रांचेज है इसकी लेकिन सिंगल डक्ट है कंपाउंड में हम लोग बात करते हैं कि डक्ट पोर्शन में ब्रांचेस होती हैं अगर वो टिब्यूलर होगा तो मतलब कंपाउंड टिब्यूलर का मतलब क्या हुआ कि डक्ट भी मल्टीपल हैं और ये देख रहे हो आप ये ट्यूब्यूल्स में भी क्या है ये एक ट्यूबुल दो ट्यूबुल ये देख रहे हो ये ट्यूब्यूल्स हैं सारी की सारी और एक कंपाउंड है क्योंकि इनके पास में अपने अपने टर्मिनल ब्रांचेज हैं फिर वो मेन में जा रही है लेकिन यहाँ पर सिक्रिटरी यूनिट की form, वो क्या है शेप क्या है सिक्रिटरी यूनिट की ट्यूब्यूलर फॉर्म यहाँ पर सिक्रिटरी यूनिट की form, वो शेप क्या है एल्वी फॉर्म सो ये एलवि शेप है तो इसे हम कंपाउंड एलवि बोलेंगे और ये ट्यूब्यूलर शेप है सो तो इसे हम कंपाउंड ट्यूब्यूलर बोलेंगे इसके बाद में ये एग्जाम्पल भी हमारा सिमिलर था जैसे कि आपने यहाँ देखा ये यह हमने बात करी थी यूनि सेल और मल्टी सेलूलर ग्लैंड्स के बारे में कि एग्जोक्राइन ग्लांड्स यूनि और मल्टी सेलूलर होते हैं यूनी सेलुलर ग्लैंड्स मतलब बाकी का सारा एपिथीलियल सेल्स जो है वो हमारे नॉन सिक्रेटरी होंगे गॉबलेट सेल है जैसे एग्जाम्पल तो एक ही सिक्रेटरी से सेल है बाकी सारे क्या है नॉन सिक्रेटरी और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में आपका एग्जाम्पल आता है सारे सलाइवरी ग्लैंड मतलब पूरा का पूरा एपिथीलिया ही उसमें सिक्रेटरी है ठीक है उसके बाद में सिंपल ट्यूबुलर में आप देख रहे हो सिंगल डक्ट और सिक्रेटरी यूनिट जो येलो कलर की है वो ट्यूब्यूलर फॉर्म में है सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर मतलब ट्यूबुलर फॉर्म में हमारी सिक्रेटरी यूनिट है लेकिन वो कॉइल्ड है और सिंपल मतलब सिंगल डक्ट में है और सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर में मतलब हमारी ब्रांचिंग है ट्यूब्यूलर है सिक्योरिटरी यूनिट ब्रांचेज है लेकिन सिंगल डक्ट में जा रही है मेन जो हर डक्ट मेन जो ल्यूमेन है ना सारी की सारी सिक्योरिटरी यूनिट का वो एक ही डक्ट में है इसमें आप देखोगे कि इनके जो मेन ल्यूमेन है ये पहले एक टर्मिनल डक्ट में जा रहे हैं ये इसका ल्यूमेन इसका ल्यूमेन टर्मिनल डक्ट में जा रहा है इसका इसका टर्मिनल डक्ट में जा रहा है, है और फिर ये टर्मिनल स्मॉल डक्ट बेसिकली एक लार्ज डक्ट में जाती है इसलिए इसको हम कंपाउंड ट्यूब्यूलर बोलते हैं राइट right? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिक्रीशंस दे डू म्यूकस सेल्स होते हैं और हम म्यूकस ग्लैंड होते हैं और सीरस ग्लैंड होते हैं म्यूकस ग्लैंड जिसमें म्यूकस सेल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि उनके पास में जो उनका सेल्स है दे हैव अ न्यूक्लियस विच इज फ्लैट एंड जो न्यूक्लियस फ्लैट होने के साथ साथ बेस की तरफ प्रेजेंट होता है और क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं तो बनाते भी होंगे इसलिए इनका साइटोप्लाज्म धुंधला होता है हेजी अपेयरेंस का होता है और जहां तक सीरस सेल्स की बात करी जाए इनका न्यूक्लियस ओवल होता है और इनका सेंट्रल न्यूक्लियस होता है एंड सेकेंडली जो छोटे छोटे ग्रान्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोड़ छोटे ये ईओसिनोफिलिक स्टेन ग्रान्यूल्स होते हैं जो आपको इसके साइटोप्लाज्म में नजर आएंगे सो दिस वाज एक्चुअली द रिविजन जो हमने ग्लैंड के बारे में पढ़ा था